हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए एक सुंदर सा अक्षय तृतीया स्पेशल रंगोली बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टाइल्स के टुकड़े लिए, या ऐसा रेडीमेड भी मिल जाता है टाइल्स के दुकान में, या आपके पास टाइल्स नहीं है तो ये जो प्लाईवुड के टुकड़ा है उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक कलश बनाना है, इसलिए पहले येलो कलर के रंगोली डाल के और उसके ऊपर एक खराब सीढ़ी रख दिए तक उतना जगह क्लीन रहे। उसके बाद एक डार्क ग्रीन कलर, डार्क ब्लू कलर यूज़ किए, उसके बाद थोड़ा लाइट ब्लू, और फिर लाइट ब्लू के साथ थोड़ा सा पिंक मिलाए तो एक दूसरा शेड बना। फिर जो कलर बचा था उसमें फिर से पिंक ऐड किए तो थोड़ा सा और लाइट हुआ, तो ये एक शेड बनाए। इसके ऊपर एक कलश बनाएंगे हम, और इस साइड में एक शेड बनाते बैकग्राउंड। उसके लिए हमने कत्था कलर भर दिया पहले, कत्था कलर के साथ थोड़ा रेड मिला के और थोड़ा सा उसको लाइट किए, उसके बाद रेड भर दिए, रेड के साथ फिर से थोड़ा सा ऑरेंज मिलाए और एक शेड दिए, और ऊपर एकदम जो ऑरेंज मेन ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज कलर दिए। स्केल को हटा देंगे, जो टाइल्स को थोड़ा साइड कर लेंगे, और जो आजू बाजू जो रंगोली गिरा है उसको कपड़े से साफ कर लेंगे। तो एक सुंदर सा बैकग्राउंड मिला हमें, इसके ऊपर अपने कुछ क्रिएटिव वर्क करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सुंदर सा फूल बनाएंगे हिबिस्कस का, ये बहुत ही सिंपल रहता है और दिखने में अच्छा दिखता है। तो जैसे पीछे थोड़ा डार्क बैकग्राउंड है तो यहाँ पर हम पिंक कलर यूज़ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा शेड यूज़ करेंगे, थोड़ा लाइट डार्क और डार्क। तो इसके लिए हमने पिंक रंगोली में थोड़ा सा लाइट करने के लिए व्हाइट रंगोली मिलाए, और इस प्रकार थोड़ा सा लाइट से डार्क तक कलर किए। उसके बाद रेड कलर से तो कुछ लाइनिंग दिए, कत्था कलर से जो बीच के भाग है कत्था कलर और रेड के रेड फिल के ऊपर थोड़ा सा डीप दिखाने के लिए, और एक सफ़ेद कलर से हाइलाइट करना है आउटर साइड को पेटल के, और बीच में एक लाइट कलर लेके जो हिबिस्कस के एक फूल के बीच में रहता है वो दिखाना है यहाँ पर, क्योंकि हिबिस्कस का ये सबसे खूबसूरत चीज़ रहता है जो बीच में एक जो डिज़ाइन रहता है फूल के। ठीक है, तो ऊपर ये फूल बने के ऊपर एक छोटा सा जगह बचा है, यहाँ पर एक सुंदर सा छोटा सा क्रिएटिव एक गणपति जी का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर यदि पूरा गणपति बनाने जाएंगे तो एक तो समय ज़्यादा लगेगा और ऊपर से अच्छा भी नहीं दिखेगा। ये एक आर्टिस्टिक रहता है, सिंबॉलिक जो आर्टिस्टिक रहता है, और ये काफ़ी सुंदर रखता है। दो चार लाइन दिए तो भी कुछ दिखना चाहिए, तो हमने बस सिर्फ तीन ही चीज़ बनाए तो भी लग रहा है कि वो गणपति चीज़ है, गणपति जी है। ऊपर एक फूल बनाएंगे सफ़ेद कलर से, तो ये जो फूल और गणपति एकदम बराबर सेट हुआ ऊपर, तो हमारा पहले से प्लान है कि यहाँ पर फूल बनेगा, यहाँ पर गणपति बनेगा, और इस साइड में एक कलश बनाएंगे। तो ये सुंदर सा क्रिएटिव रंगोली बना सकते हैं छोटे से जगह पे, और शेडिंग के साथ देखने में अच्छा दिखता है, और जो फेस्टिवल है उससे भी रिलेटेड बन जाता है। तो हमने सीढ़ी को हटा दिए, ऊपर कलश के गला बनाए, नीचे उसका बेस बनाए, ऑरेंज कलर से कुछ लाइनिंग देना है, बीच में रेड कलर से ओम लिखेंगे यहाँ पर। अब चाहे तो दूसरा स्वास्तिक चिन्ह भी बना सकते हैं, इसके पहले वीडियो में स्वास्तिक चिन्ह बनाया था इसलिए मैंने यहाँ पर ओम यूज़ किया, ये भी काफ़ी डिवाइन लगता है। कुछ डॉट देंगे सॉस बोतल के ढक्कन से, ऊपर एक नारियल और एक कुछ पत्ते बनाएंगे। तो हमारे जो पोस्टर रंगोली है एकदम ज़्यादा भरा भरा नहीं होना चाहिए, नीट क्लीन, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो चीज़ क्लियर दिखना चाहिए, एकदम क्लियर। तो हमें तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ रहता है कि हमें क्या शेड देना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन करना है, और उस चीज़ में क्या क्या सेट करना है।
तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टडी करके ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ क्रिएटिव, क्योंकि मुझे भी थोड़ा स्टडी करता हूँ, बहुत सारे चित्र देखता हूँ और फिर उनमें सोचता हूँ कि कौन से चित्र कहाँ पे सेट करने से एक सुंदर सा पोस्टर रंगोली बनाएंगे बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन कर दबा के लाइक कर दीजिए। आप लोग तो बिल्कुल कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं कर किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे इस प्रकार के नए नए क्रिएटिव रंगोली को आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ऊपर से दिया रख सकते हैं, ये मेरे घर के सामने भी रखे तो भी ये बहुत सुंदर दिखता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।